बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी हम रिकॉर्ड करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं जो पिछले जो हमने लेक्चर क्लोज किया था। और हमने आपको बताया था कि अब आगे जो है ना हम रिकॉर्डिंग जो है जनरल जनरल के साथ साथ हम लेजर बनाना सीखेंगे, क्योंकि अब सवालात के अंदर पहले वो पूछ रहा है कि आप जनरल जनरल बनाइए, उसके बाद वो कहता है फौरानी बी पार्ट सवाल का होता है कि आप लेजर जो है ना पोस्ट कीजिए। तो इस वजह से जो है मैंने फिर आई देन डिसाइड किया पहले जो है ना हम, क्योंकि पहले जितने भी सवाल आप हमने किए हैं उसमें जो है जनरल जनरल बनाने का था, लेजर बनाने का नहीं था। तो वो हमने सारे कर लिया, ऑलमोस्ट जो है ना सारे हमने कर लिए। अब जो सवालात हैं उनमें जनरल जनरल प्लस जो है लेजर जो है ना वो साथ आ रहा है। तो इस वजह से जो है मैंने ये डिसाइड किया कि हम लेजर स्टार्ट कर दें। जैसे मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ लेजर क्या होता है। लेजर को कहते हैं सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर जो है सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। यानी कि अभी तो हमने जनरल जनरल में देखा था कि कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है। पहले एंट्री जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आएगी, दूसरी जो है ना बिल्डिंग परचेज की आएगी, तीसरी जो है ना परचेजेस की आएगी, चौथी जो है ना एक्सपेंस पे की हो गई। मतलब मुख्तलिफ हर आपने देखा है सवालात में हर एंट्री हर ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन से मुख्तलिफ होती है, और हर ट्रांजेक्शन के जो ज़्यादातर जो है हर तो नहीं ज़्यादातर जो है ना ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो जो है आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि भाई कैश का बैलेंस कितना है, तो आप खुद ही देख देख लिया है आपने कि हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट लेजर का अकाउंट का नॉट लेजर अकाउंट का हम बैलेंस नहीं मालूम कर सकते। कितनी सेल हुई है, कितनी परचेजेज हुई हैं, कितने एक्सपेंस पेमेंट हुए हैं, ठीक है, ओनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी ड्राइंग है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जो है एज एंड वेन की बुनियाद पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री के अंदर, जो जनरल जनरल जिसमें पहला है। उसके बाद और भी हैं, मैंने लिख दिए हैं कुछ किताबें और भी हैं। जैसे जैसे ग्रो किए बिजनेस और तो वैसे ही वैसे जो है ना बुक्स का जहूर होता चला गया कि इस तरह से बनाएं, क्योंकि पहले जो किताबें जो है हाथ से मैनुअल जो है बुक कीपिंग होती थी, अब तो बुक कीपिंग जो है कंप्यूटराइज हो गई है। तो सिर्फ एक ही जो है ना आपने ट्रांजेक्शन को लिखना है और आपकी तमाम लेजर में पोस्टिंग और बैलेंसिंग और सब ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो इतना अब जो है आजकल के जो है जो भी अकाउंटेंट हैं, यानी कि लास्ट आई वुड से के 25 साल से जो अब अकाउंटेंट हैं उनके ऊपर लोड जो है कंपैरेटिवली जो है बुक कीपिंग का जो है लोड बहुत ऑलमोस्ट कम बहुत कम हो गया है, समझ लें 25% रह गया है। लेकिन अकाउंटेंट की दूसरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, ठीक है। अकाउंटेंट जो है पहले कोई 25-30 साल ऑलमोस्ट 30 साल पहले जो है वो बैकएंड पे काम करता था, ठीक है। आजकल का जो अकाउंटेंट है वो फ्रंट एंड पे काम करता है, वो मार्केटिंग की भी जिम्मेदारियां को असेस करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असेस करता है, यानी कि वो बिल्कुल हरावल जो है ना सिपह सलार जो होता है वो होता है, वो सिपह सलार नहीं, वो सिपह सलार होता है जो कि अपने उसकी बिजनेस की मदद करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। तो हरावल यानी कि एक होता है ना कि ये है। तो आजकल का जो है अकाउंटेंट है वो ये हैं। तो इस वजह से जो है
अब यहाँ पे हम आते हैं अपने डिसीशन को वापस लेके, पता नहीं कहाँ चले गए यार, तुम लोग बताते नहीं हो। सेपरेट अकाउंट्स जो है, हर अकाउंट जो है हम सेपरेट खोलते हैं ट्रांजेक्शन में जो इन्वॉल्व, मिसाल भाई कैश, अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल है, ए से लेना है, बी से लेना है, सी से लेना है, डी से लेना है, पता ही नहीं चल रहा किससे लेना है, किसको देना है, सही है। तो ए का अकाउंट रिसीवेबल का जो रिकॉर्डिंग होगी वो अलग पेज पे होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, और फौरन ही पता चल रहा होगा कि ए से कितना लेना है प्लस माइनस हो रहा है, बी से कितना लेना है प्लस माइनस होके, तो कैश का बैलेंस कितना है डेबिट और क्रेडिट माइनस करके, तो फौरन आपको लेजर से जो है आपको पता चल जाता है कि सूरत हाल क्या है हर लेजर के बारे में। इंफॉर्मेशन वही होती है जो जनरल जनरल में होती है, लेकिन यहाँ उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है कि यार ये इस जगह जाएगी, ये इस जगह जाएगी, ये ट्रांजेक्शन इस जगह जाएगी, सही है। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन जो होती है ना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है उसके बारे में बैलेंसेस को देख के आप बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं कि किससे कितना लेना है, रेवेन्यू कितना था और परचेजेस कितनी की, सही है। नहीं अच्छा, आप ट्रांजेक्शन जो है इसकी पोस्ट की जाती हैं, पोस्ट का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग है जो जनरल जनरल में हम कर रहे हैं, वो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग नॉट पोस्टिंग, ठीक है। आप उसको पोस्टिंग कह सकते हैं कि फ्रॉम दी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इट इज ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनटू जनरल जनरल या कैश बुक वगैरह, लेकिन अमूमन वो पोस्टिंग नहीं कहलाती है, वो रिकॉर्डिंग के लिए का लफ्ज इस्तेमाल करें कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कि क्या हुआ क्या है, किस फॉर्म में अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेजर में जो है वो हमेशा पोस्टिंग कहलाती है, लफ्ज पोस्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है पोस्टिंग हो रही है ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक्स है। ओरिजिनल बुक कौन कौन सी होती हैं, जनरल जनरल हम देख चुके हैं, आगे पढ़ेंगे कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो और ये तमाम बुक्स जो है ना डेवलप हुई थी अपने काम को आसान बनाने के लिए, पोस्टिंग प्रोसेस जो है उसको आसान करने के लिए ये तमाम जो है किताबें डेवलप हुई आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, एवरी अकाउंट लेजर आफ्टर पोस्टिंग, अकाउंट लेजर में पोस्टिंग के बाद, आफ्टर पोस्टिंग जो है, आफ्टर पोस्टिंग प्रोसेस के बाद अकाउंट को टोटल किया जाता है। आप देख चुके हैं कि जनरल जनरल में कि डेबिट भी हैं, क्रेडिट भी हैं, तो डेबिट चीज़ें जो है डेबिट में लिख दी जाती हैं तमाम, यानी कैश के मुताबिक जितनी डेबिट चीज़ें हैं डेबिट पे लिख दी जाएंगी लेजर अकाउंट में, और कैश के मुताबिक जितनी क्रेडिट आइटम्स हैं वो क्रेडिट में लिख दिए जाएंगे, और फिर उसका टोटल किया जाएगा डेबिट का और क्रेडिट कॉलम का, और उसके बाद दोनों को प्लस माइनस करने के बाद उसका बैलेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस आप देख लेंगे, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे एक सबसे अहम चीज़ होती है कि हम कहते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जो है एज लेजर फोलियो डिफरेंट है, ठीक है, लेजर पेज के, ये इज नॉट इक्वल टू, गलत कर दिया, इज नॉट इक्वल टू लेजर पेज। अब पेज तो देखिए, पेज तो होते हैं वन सीरियली नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये पेजेस हो गए आपके जो कि सीरियली
नंबर्ड होते हैं, ठीक है, सीरियली नंबर्ड होते हैं, ये पेजेस होते हैं आपके, जैसे हर किताब में होते हैं आपके पास पेजेस ऊपर पड़े होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल, और यह होता है कि सबसे पहला हम मिसाल के तौर पर होता है कि कैश, आपने लिखा कैश जो है पेज 1 से स्टार्ट हुआ, कैश का क्या, एक सेकेंड, कैश अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 1, ठीक है, ये पेज 1 से स्टार्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो है लेजर जो है होता है वो कैश का होता है, बैंक का होता है नॉर्मली जो है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो है कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा होता है हर दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो इसका लेजर, इसके सबसे ज़्यादा डेबिट होते हैं और इसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट होते हैं, सही है, तो ये सबसे बड़ा होता है। अब हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पेज नंबर 1, 2, पेज नंबर 100, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 100 तक कैश का अकाउंट चल रहा है, हैं? कट गया, कैश का अकाउंट चल रहा है, तो इस वजह से दूसरा अकाउंट मिसाल के तौर पर शुरू हो रहा है बैंक अकाउंट, ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 101 टू पेज नंबर 150, ठीक है, ये लेजर की किताब के पेजेस हैं। लेकिन कितने अकाउंट हो रहे हैं? सिर्फ दो अकाउंट, दो अकाउंट में आपके 150 पेजेस चले गए, तो इसका नॉर्मली जो है कैश का जो है आप डालते थे, मिसाल के तौर पर आपने इसको दे दिया कैश जो है, मिसाल के तौर पर कैश सी वन कर दिया और बैंक का आपने B1 कर दिया। अब आप जो है आपने लेजर नंबर जो फोलियो है वो तो 1 से 100 तक चल रहा है, सही है, ये पेज है, लेकिन आपने लेजर नंबर अकाउंट नंबर आपने इसको दिया C1 और इसको दिया B1। B1 स्टार्ट हो रहा है लेजर के पेज नंबर 101 से, और कैश का जो अकाउंट है C1 अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 120 तक। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लेजर फोलियो वगैरह की हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं कि अब टाइप्स, तीन टाइप्स की जो है लेजर फॉर्मेट होते हैं, तीन तरीके के होते हैं लेजर्स, वो अभी हम करेंगे। पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है या फॉर्म होता है। दूसरा स्केलेटन फॉर्म होता है, इसको कहते हैं स्केलेटन फॉर्म, और इसको आमतौर पर टी अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट बना दो यार। और तीसरा होता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। अब जो है अकाउंटिंग के अंदर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या स्केलेटन फॉर्म राइज नहीं है, बल्कि क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो है ना, फॉर्मेट जो है लेजर का, वो बनाया जाता है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस निकल रहा होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने ये देख ली, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है इसके अंदर समझने के लिए, सही है। ये मैंने इसको, ये असल में सिर्फ समझने के लिए मैंने, क्या यार ये भी साला निकल गया। चलिए अब हम ये तो एक इनिशियली जो है इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके अंदर जो है
मैंने आपको बताया था कि मैं पहले जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं किताब की, सही है, तो उसकी जो है, हालांकि उन्होंने मांगी नहीं है। अब जैसे प्रॉब्लम नंबर वन, उसने जो है ये 1, 2, 3, 4 जो है ट्रांजिशन की हैं, और ये कहा है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजिशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जनरल। ये हम ये किताब में बनी भी है, सॉल्व प्रॉब्लम है, लेकिन हमने इसको सॉल्व भी किया, ठीक है, उसको डिस्कस करते रहे और सॉल्व भी किया समझने के लिए। तो अब मेरे पास एक आसान ये था कि मैं ये जो जनरल जनरल बना हुआ है इसकी मैं लेजर बनाऊं ताकि हमें आसानी हो शुरू में, राइट। तो ये प्रॉब्लम नंबर वन का हम लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग इन लेजर। पहली ट्रांजेक्शन जो है हम टी अकाउंट बनाएंगे, राइट, इन टी फॉर्म। तो अब हमारे पास जो है ये तारिक खान का है, ये बुक्स हैं तारिक खान, तारिक खान की बुक्स हैं, और हम अब जनरल से लेजर में जा रहे हैं। लेजर का फॉर्मेट जो है, टी फॉर्म जो है, वो होता है टी, सिंपली टी बना दिया जाता है, हमने टी बना दिया, ठीक है, तो बड़ा बनाया जाते हैं। पहला पहली ट्रांजेक्शन क्या है, कैश की, जनरल जनरल में पेज नंबर 43 प्रॉब्लम नंबर वन। तो पहला है कैश, तो आपने कैश का अकाउंट बना दिया, ऊपर हेडिंग डाल दी कैश अकाउंट, यहां लिख दिया डेबिट और यहां लिख दिया क्रेडिट। जैसे आपने जनरल जनरल बनाया था, जो बिल्कुल राइट जो कॉलम था, एक्सट्रीम राइट जो था वो क्रेडिट था, और उसके बराबर वाला डेबिट था, इसी तरीके से आपने लिख दिया इसको। उसके बाद दूसरा अकाउंट है तारिक कैपिटल, तो आपने तारिक कैपिटल का बना दिया, या अमूमन एक दो ही एंट्रियाँ होती हैं इसकी, तो आपने तारिक कैपिटल का अकाउंट, टी अकाउंट आपने बनाया, और ये आपने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मेरे ख्याल में, चलिए चलिए फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा है प्रीपेड, ठीक है, तीसरा प्रीपेड रेंट है, तो आपने प्रीपेड रेंट अकाउंट बनाया, वही टी फॉर्मेट बनाया आपने, और यहाँ पे लिखा डेबिट और यहाँ लिख दिया आपने क्रेडिट। चौथा जो है कैश है, सही है, ट्रांजेक्शन टू और अकाउंट कैश, कैश आप बना चुके हैं। परचेजेस, तीसरी ट्रांजेक्शन में परचेजेस आपकी आई है, तो आपने परचेजेस अकाउंट बना दिया, या आपने टी बनाया, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, चार अकाउंट आपके बन गए। और उसके बाद आपका है परचेजेस के नीचे जो अकाउंट है, अकाउंट जाहिर है परचेजेस के साथ जो है जो लिंक होता है वो हमेशा जो है अकाउंट पेबल होता है, तो हम यहाँ भी बना लेते हैं अकाउंट, पार्टी का नाम है नहीं, अकाउंट पेबल, ठीक है, या आपने बना लिया, या डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, ठीक है, ये बना लिया अकाउंट। उसके बाद परचेज, अच्छा उसके बाद
25th में कैश है वो बना चुके हैं, अकाउंट रिसीवेबल बनाना है, आपने सेल्स अकाउंट बनाया यहाँ पे, ठीक है जी, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। सेल्स के नीचे नॉर्मली जो है अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल है, अमूमन मैं सेल के नीचे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनाता हूँ, सही है, आसानी होती है उसको ट्रेस करने में। और परचेजेस के नीचे अकाउंट पेबिल का बनाता हूँ, क्योंकि परचेजेस से लिंक है अकाउंट पेबिल, और आपका जो है सेल से लिंक है अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंटिंग जो पोस्टिंग में जो है ना आसानी रहती है। अच्छा जी, उसके बाद है 29 तारीख को अकाउंट पेबिल है और कैश, ये दोनों हम बना चुके हैं, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ट्रांजेक्शन में जितनी दफ़ा भी आपका आ रहा हो कैश अकाउंट रिसीवेबल, बनेगा एक ही, ठीक है, कैश का एक बनेगा और तमाम ट्रांजेक्शन जो है उसमें पोस्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैश, कैश डेबिट कर रहे हैं आप, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे ताकि फर्स्ट टाइम करने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। ये क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है 380,000 से, ठीक है, किस वजह से कैश डेबिट किया, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश डेबिट किया है, 380,000 कैश डेबिट हुआ, किस वजह से, कैपिटल की वजह से, तो ठीक है, किस वजह से, कैश वजह से, कैश डेबिट हुआ किस वजह से, तारिक कैपिटल की वजह से, ठीक है। रीजन, वजह, मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं कि तारिक कैपिटल, और तारिक का कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, कैश की वजह से, तो रीजन अगर आप होगी तो बहुत आसानी रहती है। प्रीपेड रेंट बनाए ना, हाँ, प्रीपेड रेंट 23,000 रुपये, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, ये हम बिल्कुल देख चुके हैं पहले कि ये जो है आपका वो होता है एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है हमेशा, तो प्रीपेड रेंट डेबिट आपने कर दिया 23,000 से, और कैश फिर है 23,000 से, क्रेडिट है गया है, ये जो प्रीपेड रेंट को आपने डेबिट किया है क्यों किया है, कैश की वजह से, कैश, और ये जो कैश आपने 23,000 से क्रेडिट किया है क्यों किया है, प्रीपेड रेंट की वजह से, समझे, इसका रेफरेंस यहां पे दिया और इसका रेफरेंस यहां दिया, ये बहुत जरूरी होता है। परचेजेस 170,000 से डेबिट हुई, 170,000 से ये आपने लेजर में पोस्ट, वी आर पोस्टिंग फ्रॉम जनरल लेजर, जनरल लेजर किताब में बना हुआ है, फ्रॉम जनरल लेजर इनटू लेजर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग, ये प्रोसेस चल रहा है। तो परचेजेस आपने डेबिट कर दी, ठीक है, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 170 से, अकाउंट पेबल आपने जो क्रेडिट किया है उसकी क्या वजह थी, रीजन क्या थी,
परचेजेस की थी भाई हमने, ठीक है आपने परचेजेस लिख दिया, के परचेजेस की वजह से मैंने अकाउंट पेबिल को क्रिएट किया है, इसका क्रॉस रेफरेंस परचेजेस में आए क्या है? हाँ जी है, ये 1,70,000 परचेजेस को आपने डेबिट क्यों किया? सही है, हमने अकाउंट पेबिल यानी कि लायबिलिटी हमने इंक्रीज की और परचेजेस में रिकॉर्ड कर ली, यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज की और परचेजेस, तो ये क्रॉस रेफरेंस हम ये सर देते हैं। आगे हम चलते हैं, 25 तारीख की एंट्री है, पेज नंबर 44, ठीक है, पेज नंबर 44 पे हमारे पास कैश 1,30,000 डेबिट है, कैश डेबिट किया हमने 1,30,000 से, फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया कितने से? 50,000 से, ये डेबिट किया 50,000 रुपये से, ओके, ये डेबिट किया और कैश डेबिट किया, और दूसरा तीसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स को क्रेडिट किया 1,80,000 से। तो जनरल जनरल में जो आपने रिकॉर्डिंग की थी उसकी आपने पोस्टिंग कर दी, अब रेफरेंस डालना है 1,30,000 किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। अब यहां पे सेल्स के अंदर आप 1,80,000 लिखेंगे तो इसका क्रॉस रेफरेंस कहीं नहीं मिल रहा, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि जब आप बाद में जो है ना इसको क्रॉस स्टडी करेंगे तो आप ब्लाइंड बैठे हैं कि यार ये 1,80,000 कहाँ गया, ये तो कहीं इसका क्रॉस रेफरेंस नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से हम यहां पे दो एंट्रीज करेंगे, 1,30,000 और 50,000 रुपये। एक मिनट जी, रिज्यूम करते हैं। अभी हमने जो है ये देखा था कि अब यहां पे अगर मैं 1,80,000 से मैंने सेल्स के अंदर हमने पोस्टिंग कर दी, ठीक है, तो अब इसका क्रॉस रेफरेंस हमको 1,80 का कहीं नहीं मिल रहा, अब हम तलाश करते रहेंगे। यहाँ कैश के अंदर हमने लिखा 1,30, ये सेल्स हुआ था, अब 1,30 जो सेल हमने यहाँ पे लिखा है हम सेल्स के अंदर तलाश करते रहेंगे, हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, राइट। तो इस वजह से सेल्स के अंदर 1,80,000 एक साथ नहीं डालेंगे, हमने कैश के अंदर जितनी पोस्टिंग की हम वो डालेंगे और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमने जो पोस्टिंग की 50,000 की हम वो डालेंगे। अब सी, अब ये रेफरेंस सेल्स के अंदर 1,30 कैश आया, यहाँ से सेल्स का कैश के अंदर सेल्स की वजह से 1,30 ये रेफरेंस मिल गया आपको। उसके बाद सेल्स में अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का आया, तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ सेल्स की वजह से यहाँ 50,000, तो ये तमाम क्रॉस रेफरेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखें आजकल तो अकाउंटिंग जो है कंप्यूटराइज है, एंड यू डोंट बिलीव के पी बैक एंड के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो नहीं है मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जो है वो समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है यार, ये तो हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, बैक एंड के ऊपर वो काम कर रहा है, वो डबल एंट्री रिकॉर्ड हमेशा डबल एंट्री सिस्टम है, ये सिंगल एंट्री नहीं है। हाँ जब हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं हमें लगता है कि हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, बैकएंड के ऊपर काम चल रहा होता है, सही है, क्योंकि हम अकाउंट का नंबर दे रहे होते हैं, अकाउंट नंबर कहाँ वो जो मैंने दिया था, सही है, वो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये अकाउंट नंबर हम डाल रहे होते हैं, तो उससे जो वो थोड़ा सा आप सीख जाओगे बाद में। अच्छा, उसके बाद आखिरी एंट्री है 29वीं, ये जो है उन्होंने कहा है कि अकाउंट पेबिल और कैश की,
अब अकाउंट पेबिल कहाँ है भाई? ये रहा अकाउंट पेबिल, 85,000 से ये डेबिट हो रहा है। आपने डेबिट कर दिया 85,000 से, ठीक है, 85,000 से ये आपने डेबिट कर दिया। और क्या कैश जो है क्रेडिट हो रहा है 85,000 रुपये से, ठीक है। रीजन, अकाउंट पेबिल क्यों डेबिट किया? क्योंकि हमने पेमेंट की है, जाहिर है हमने पेमेंट की है कैश। और कैश अकाउंट आपने क्रेडिट क्यों किया? हमने अकाउंट पेबिल को पे किया है। रीजन क्या थी? अकाउंट पेबिल को पेमेंट हुई है 85,000 रुपये। क्या अकाउंट पेबिल के अंदर आ रहा है? यस आ रहा है। तो ये आपकी होती है क्रॉस रेफरेंस। ये तो हो गया आपका पोस्टिंग। अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, ये टोटल करना, जिसे कहते हैं फूटिंग। तो ये आपने किया 5 और 3 8 है, 3, ये 3 सिफर ही आ गए, ये 3 सिफर आ गए, और 5 और 3 8, और 5 और 3 8 8 2 10, ये 23,000 रुपये। दिस इज कॉल्ड फूटिंग। ये हो गया, ये 4 सिफर हैं, 2 3 4, 4 सिफर, 8 9 10 11, यार कैलकुलेटर अभी है नहीं, 8 9 10 11, यानी का 1 41, ठीक है। अगर कोई प्लस माइनस में एरर हो जाए तो आप लोग सही कर लिएगा कोई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तब्दील नहीं हो सकती ना, ये तो जूं का तू जो है ना चला आएगा, अपलोड हो जाएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यार वो कैलकुलेटर पता नहीं फिर चला गया नीचे, अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं इसमें। तो दिस इज कॉल्ड फूटिंग। ये फूटिंग, ठीक है। फूटिंग क्या होती है कि क्रेडिट साइड में जितनी अमाउंट हो रही हैं उसको अलग से हम लिखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फूटिंग। डेबिट साइड में जितनी अमाउंट होती हैं उसको अलग से लिखते हैं हम। यहाँ नहीं लिख देना, हम यहाँ लिख दोगे तो हो सकता है प्लस कर जाओ। तो इस वजह से हमेशा जो है वो इस मेन कॉलम से हटा के लिखते हैं। अब यहाँ पे जो ये फूटिंग है ये तो एक ही है छोटी सी, और छोटा अमाउंट लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड फूटिंग। सही है, ये 1,70,000 है, ये आपने यहाँ छोटा सा लिख दिया, ये फूटिंग है, ठीक है। ये चीज, ये 3 लाख छोटी आपने लिख दी, कॉल्ड फूटिंग। देखिए मैं ईश्वर से हर उसमें लिख रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। एक दो दफ़ा, 2 या 3 दफ़ा मैं लिखूँगा, और उसके बाद जो है मैं फिर ये फूटिंग वगैरह नहीं लिखूँगा, सिर्फ मैं बोलूँगा भाई फूटिंग। तो इसका मतलब यह है कि क्रेडिट का टोटल आपने अलग करके लिखना है और डेबिट का टोटल आपने अलग करके लिखना है, ठीक है, इसका यह मतलब है। अब इसकी फूटिंग हो गई तो 50 और 30 180 है, ये आपने छोटा सा लिख दिया 180, ठीक है, और ये 50,000 हो गया। ठीक है, एंड दिस ये 85,000 है आपकी, और ये 1,70,000 हो गई, ये फूटिंग है, और ये फुटिंग है। ये फुटिंग है, एंड दिस इज फुटिंग।
तो ये आपने फूडिंग मुकम्मल कर लिया। एक मिनट दीजिए, सांस ले लूं जी। अब आपने फूडिंग कर ली, फूडिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेडिट में जो जितनी ट्रांजैक्शन है वो आपने ऐड करके यहाँ लिख ली, डेबिट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन है वो आपने ऐड करके, यानी कि फूडिंग क्या हुई आपकी, फूटिंग कहाँ लिखें, फूटिंग हो गई आपकी, यह है टोटलिंग, टोटल टोटलिंग ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये फूटिंग हो गई आपकी, ये फूटिंग हो गई, ठीक है, आपने टोटल करके लिख लिया। लेकिन मैंने फिर कहा है कि वो हमेशा अलग करके लिखी जाती है, सही है। अब चूंकि यहाँ पे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अब हमें निकालना है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, हम ये देखेंगे डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, अगर जो साइड बड़ी होगी उसमें से माइनस हम कर देंगे। पहले यहाँ कर लें, यहाँ ये सिफर है, प्रीपेड रेंट डेबिट्स बड़ी है और ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, रिमेंबर इस साथ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बैलेंस 23,000 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम, ताकि डेबिट और क्रेडिट लेजर अकाउंट बैलेंस हो जाए और आप इसको डबल लाइन डाल दें, ये इस वजह से है, अदरवाइज आप इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। हम क्लोज कर रहे हैं लेजर, ठीक है, वो ऊपर देखते हैं अभी जो है ना कैलकुलेटर। ये 1,80,000, ये हमने लिखा यहां पे बैलेंस 1,80,000, ठीक है, और टोटल हो गया आपका 1,80,000, और इसके यहां से फूटिंग हटाओ और ये टोटल हो गया आपका 1,80,000, राइट। ये आपने जो है ना यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। और अब जो है इसका टोटल 1,70,000 आया, ज़्यादा एक ही है। यहाँ पे इसका बैलेंस कितना आया, 70 में से ज़ीरो, यहाँ तो ज़ीरो है ना, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, 70 में से ज़ीरो निकला, 1,70,000 बचा। और लेजर आपने ये क्लोज कर दिया। यहाँ पे 3,80,000 है, है? सिफर 3,80,000, इसका ये टोटल हो गया, इसका बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ कोई भी एंट्री नहीं है, सही है। तो 3,80,000 में से ज़ीरो निकला, तो 3,80,000 बैलेंस आया। एक्चुअली बैलेंस जो है हम इस वजह से निकालते हैं कि हमने दोनों डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। जब तक आप किसी भी गिवन पीरियड का लेजर इक्वल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस वजह से बैलेंस निकालना पड़ता है। यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये बैलेंस रह गया, ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपने निकाला, यहाँ पे लिखा BALANCE बैलेंस 50,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे इसको आपने ये क्लोज हो गया 50,000 और
यार झुकने की प्रॉब्लम है, ये 50,000 ठीक है। फिर ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं एक मिनट, कैलकुलेटर ले लूँ मैं, और मेरा यार मोबाइल कहाँ है, एक मिनट। तेरी तो रिज्यूम करते हैं। अभी जो है एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो बैटरी जो है ना वो आ गया है। वो तो इत्तेफाक से मैंने देख लिया कि बैटरी लो हो गई थी, तो एकदम जो है आपने शायद रिकॉर्डिंग हो गया हो तो भगदड़ मच गई जो है, वरना पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना बर्बाद हो जाती। और मैं हाल में 41-42 मिनट की हो चुकी थी, तो भागम भाग जो है ना वो बैटरी लगाई। तो होता है ये, ठीक है ना आदमी। तो इसी दौरान जो है ना फिर मैंने प्लस कर लिया कि टाइम ज़ाय नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कैश का जो है बिल प्लस किया, 5,10,000। ये 4,10,000 नहीं है भाई, 5,10,000 है। सही करके बताया करो मुझको यार तुम लोग। तो 5,10,000 है ये, और ये 1,80,000। ये फूडिंग की हमने की थी, फूडिंग मीन्स के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का हमने प्लस किया। फिर 5,10,000 में से हमने 1,08,000 जो है माइनस कर दिया, यानी कि मैं यहाँ लिख के बताऊँ, 5,10,000 में से हमने 1,08,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 4,02,000। ठीक है, जाहिर है प्लस में से माइनस होगा ना, तो प्लस माइनस 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 होके फिगर जो है ना 4,02,000 की आ गई, और ये जो है आपने यहाँ पे लिख दिया, बैलेंस किया। ये बैलेंसिंग फिगर कहलाती है, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं होता इसके अंदर। ये बैलेंसिंग फिगर हम इस वजह से निकाल रहे होते हैं कि यही बैलेंसिंग जो फिगर होती है ये अगले पीरियड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सही है, वो कैसे होती है वो आगे हम देखेंगे। तो ये हमने कर लिया, यहाँ पे हमारा बैलेंस हुआ 4,02,000, ये हमने निकाल के रख लिया। और एक बैलेंस हमारा यहाँ था कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, तो ये 1,10,000 था फूडिंग की थी, और ये 85,000 था इसकी फूडिंग की थी। 1,10 में से 85 हमने निकाला, तो कितना बैलेंस बचा, 85,000 रुपये। 85,000 का बैलेंस हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा, तो 1,10,000 ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैलेंसिंग हमने देखा। पोस्टिंग यहां लिखते हैं, ये हो गया आपके पास पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, ये तीन लेजर के एरिया हैं जो कि आके होते, देखो लिखा हुआ भी आ रही नहीं। सही है, थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे कर लेता हूँ ताकि ये फी लिखी भी आ जाए पूरी आपकी। सही है, ये आ गई आपकी। ठीक है, बैलेंसिंग आपकी आपने ये लिखी भी आ गई। छोटी चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि अभी कोई फिक्स होता तो आप कर नहीं सकते थे, तो ये बैलेंसिंग जो है ना आपके ने ये लिख दी। ठीक है, पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग, ये लेजर के
तीन मेन काम है, ये हमने लेजर को बनाना सीखा, ठीक है, और सॉल्व प्रॉब्लम के थ्रू जो है पेज नंबर वन पे थी। और अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कल, हाँ आज तो नहीं, हम थक गए, तो कल जो है हम प्रॉब्लम नंबर टू को जो है, प्रॉब्लम नंबर टू पेज नंबर 44 का जो इन्होंने जनरल लेजर बनाया है, इसका जो है हम जनरल जो हमने इसने रिकॉर्डिंग की है एंट्रीज को, तो हम इसी तरीके से लेजर बनाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।